हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ 69,000 भर्ती वालों के लिए भी आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज आप लोगों का जो कोर्ट में केस है उसकी डेट भी लगी हुई है। तो दोस्तों, आज इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इन सभी पहलुओं को देखेंगे। 69,000, 68,500 BEd अवैध मामले, इन सब के बारे में आपको जो भी सटीक जानकारी है वो आज हम लोग देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग सीटेट 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी आपकी पूरी तैयारी कराई जा रही है। सीटेट 2019 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप लोग सभी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पहले 69,000 भर्ती की। तो दोस्तों, 14 मई को आप लोगों की सुनवाई हुई थी जिसमें 23 मई की डेट लगी थी और ये मामला है लखनऊ की डबल बेंच का और 60-65 vs 40-45 कट ऑफ का ये मामला है, जिसमें कि 60-65 की ओर से BTC के अभ्यर्थी हैं और 40-45 में शिक्षा मित्र लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज की सुनवाई की। आज बताया जा रहा CJI की कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है और 48 नंबर पर सुनवाई होने की संभावना है। तो दोस्तों, आज देखना होगा कि आज क्या बात होती है। शिक्षा मित्रों की ओर से भी बताया जा रहा है कि बहुत कस के तगड़ी पहल की जा रही है। लगभग 6 से 7 बड़े बड़े अधिवक्ता जो हैं वो सभी उन्होंने आज के लिए कर रखे हैं ताकि अच्छे से वो लोग अपने पक्ष को मजबूती से रख सकें। इसके साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है दोस्तों, वो ये है कि जो 60-65 कट ऑफ के मामले में सरकार ने भी अपने याचिका दायर कर दी है और हो सकता है भी कुछ उसमें मामला रह गया तो आज पूरी तरह से याचिका दायर हो जाएगी, जो कि 60-65 के पक्ष में उन्होंने अपना पक्ष रखा है और सरकार की ओर से जो स्पेशल अपील दायर की नहीं थी डबल बेंच में वो दायर हो गई। अब देखना होगा कि इसकी सुनवाई कब तक हो पाएगी, क्योंकि मई का समय शेष है। जून में जो आपकी सुनवाई हो नहीं पाएगी क्योंकि जून में कोर्ट बंद रहती है, छुट्टी रहती है। तो अब सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि क्या आज कोर्ट में स्टे लगेगा इसके रिजल्ट पर या नहीं। अगर स्टे नहीं लगता है तो दोस्तों उसमें देखना होगा कि जून लास्ट तक इनको पहले रिजल्ट घोषित करना होगा, उसके बाद, क्योंकि 3 महीने का समय इनको सिंगल बेंच में दिया गया था। अब आज की सुनवाई या 30 मई से पहले की सुनवाई इस पर निश्चित करेगी कि क्या आगे की पैरवी होगी, क्या आगे की सुनवाई होगी। और चुनाव के रिजल्ट भी काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, सभी लोग आज TV में ही लगे हुए होंगे। आप लोग सीटेट की तैयारी भी अच्छे से करते रहिए। इसकी आपको अनअकैडमी पर भी क्लासेस डेली दी जा रही हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं कब तक आएगा रिजल्ट। तो दोस्तों, अभी कोई भी संभावना नहीं है, बस ये लग रहा है कि आज स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि यदि स्टे नहीं लगता है तो भर्ती में और बड़ा मोड़ आ सकता है, क्योंकि जून में छुट्टी रहेगी और जून लास्ट तक इनको भर्ती पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। तो आज की ये सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए शिक्षा मित्रों ने भी अपनी ओर से पूरी अच्छे से पहल कर रखी है। अब देखना होगी 60-65 या फिर 40-45 मामले में आज की सुनवाई में क्या बहस होती है, क्योंकि आज ये मान के चलिए कि सरकार का पक्ष आज नहीं रख पाएगा, ना ही सरकार वाले जो स्पेशल अपील हुई है उसमें आज सुनवाई होने की संभावना है। हो सकता है नेक्स्ट जो डेट लगेगी उसमें सभी केस को एक साथ करके एक साथ सुनवाई प्रारंभ कर दी जाए, लेकिन उम्मीद है कि आज साथ में सुनवाई नहीं हो सकती। लेकिन यदि महाधिवक्ता ने अच्छे से पहल कर ली तो हो सकता है आज ही उस केस को साथ में जोड़ दिया जाए। अब ये तो कोर्ट के ऊपर है, देखना होगा, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, तुरंत आप लोगों को उसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब अगली बात है दोस्तों, BEd अवैध मामला। तो दोस्तों, डबल बेंच में सिंगल बेंच की सुनवाई पूरी हो चुकी थी, वहाँ से केस को खारिज कर दिया गया था और कह दिया गया था इस मामले में डबल बेंच ही कुछ कर सकती है। तो BEd अवैध मामले में भी कुछ अभ्यर्थियों ने, कुछ लोगों ने केस दायर कर दिया था। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही के स्पेशल अपील के द्वारा केस दायर किया गया था डबल बेंच में, जिसकी भी आज सुनवाई होनी है। इसकी सुनवाई भी शाम दोपहर तक होने की संभावना है BEd अवैध मामले में। अब देखना होगा इसमें भी कहां तक मामला पहुंचता है, कितनी डेट लगती है, क्योंकि उम्मीद है कि अब सीधे जुलाई की डेट ही मिलेगी, क्योंकि काफ़ी इतना समय नहीं है, सिर्फ 7 दिन का समय शेष बचा हुआ है। अब ये तो शाम को पूरी अपडेट आपको दी जाएगी, जैसी कोई अपडेट आएगी, जैसी भी कोई जानकारी होगी, सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। CTET, UPTET, शिक्षक भर्ती
भर्ती की तैयारी के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको बिल्कुल सटीक और पूरी महत्वपूर्ण जानकारी जो कुछ भी होती है इसी चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना मत भूलिए दोस्तों, वहाँ पर भी पूरी आपको सटीक पढ़ाई कराई जा रही है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और पूरे सिलेबस वाइज पूरे चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ जानकारी 69,000 भर्ती से रिलेटेड और इन सभी भर्ती से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से मिलेंगे हम लोग जैसे ही कोई अपडेट मिलती है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। सीटेट से रिलेटेड भी आज आपको दोपहर में क्लास मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।